भोपाल के मुसलमान एक अलग तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। यह है कब्रिस्तान में जगह की कमी। इसकी एक वजह अतिक्रमण के कारण सिमटते जा रहे कब्रिस्तान हैं, तो वहीं दूसरी वजह यह है कि लोग पक्की कब्रें बना रहे हैं। शहर के मुख्य कब्रिस्तान में इंतजामिया कमेटी की तरफ से ये बैनर लगाया गया है, जिस पर लिखा है कि कब्रिस्तान में जगह की कमी है, अगर किसी के रिश्तेदार की कब्र गलती से खुद जाए तो बदतमीजी ना करें। वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड के मुताबिक भोपाल शहर में 149 कब्रिस्तान हैं, लेकिन लोग कब्रिस्तानों की संख्या 40 से भी कम बताते हैं। शहर के काजी लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि वो शवों को दफनाने के लिए पक्की कब्रों का निर्माण ना करें। क्योंकि कब्रिस्तान अब छोटे होने लगे हैं और आबादी ज्यादा बढ़ चुकी है, अब अगर हर आदमी पक्की कब्र बना देगा तो कल को दूसरों को दफन करने के लिए मुश्किल पेश आ जाएगी। इसलिए आप उसके मालिक नहीं है, सिर्फ आप दफन कर सकते हैं। ये जिसने भी जमीन वक्फ की है वो तमाम मुसलमानों ने वक्फ की है, आपके लिए नहीं है खाली, बल्कि कयामत तक जितने मुसलमान आएंगे वो दफन होते रहेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि ये दीन के खिलाफ भी है, अकल के खिलाफ भी है और इस पर जरूरत के भी खिलाफ है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भोपाल की कुल आबादी 23.68 लाख थी, जिसमें करीब 5.25 लाख मुसलमान हैं। यह संख्या अब बढ़ गई होगी। कब्रिस्तान से जुड़े लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान में साल भर में 3000 डंपर से ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसकी भारी कमी महसूस की जा रही है। कुछ संगठन इसके लिए मुहिम चला रहे हैं। कब्रिस्तानों के ऊपर अतिक्रमण होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कमी आ रही है। आज ये आगे है कि वक्त के 30 से 40 कब्रिस्तान सिर्फ बचे हैं भोपाल के अंदर, जिसके अंदर अभी काफ़ी लोगों का कब्जा होता जा रहा है और कुछ जगहों पर मिट्टी की काफ़ी कमी आ रही है। तो उसी को लेके हम लोगों ने इस मुहिम को छेड़ा है, एक तगाड़ी मिट्टी क्या दे सकती है भोपाल की आवाम। बड़ा बाग कब्रिस्तान के चारों तरफ अतिक्रमण हो रहा है, लोगों ने कब्रिस्तान में पार्किंग तक शुरू कर दी है। कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड के तहत आते हैं, अतिक्रमण या किसी दूसरी सूरत में वो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए जिला प्रशासन की मदद की जरूरत पड़ती है। और हम भी कोशिश ये कर रहे हैं जन जागरूकता के माध्यम से कि कोशिश करें कि कच्ची कब्र रहे तो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा। अतिक्रमण के रिगार्डिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बफ एक्ट है और बफ रूल्स है, उसके हमने माध्यम से हमने कलेक्टर साहिबान को और कमिश्नर साहिबान को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है, और जहाँ हमको ऐसा मामला लगता है कि बफ की ज़मीन पे कोई अतिक्रमण कब्रिस्तान को लेकर कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको वैधानिक और लीगल कार्रवाई की जाएगी। वैसे तो भोपाल में दूसरे शहरों के मुकाबले ज़्यादा कब्रिस्तान मिल जाते हैं, इसके बावजूद अब मुसलमानों के लिए शव दफनाने के लिए कब्रिस्तान कम पड़ते जा रहे हैं।